हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल AIQ। और यहाँ से भाई आज हम लोग न्यू सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सेशन भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के लिए। और इसके पीछे का रीज़न है, सॉलिड रीज़न है क्यों स्टार्ट किया जा रहा है। सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले चैनल के ऊपर आपका ऑलरेडी थ्री फेज सिस्टम को लेकर के पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है भाई, और करीब करीब हम लोगों ने 115 न्यूमेरिकल सेक्शन वाले MCQs को भी कवर किया हुआ है ना। थ्री फेज सिस्टम में आपका जैसे स्टार कनेक्टेड क्या होता है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम क्या होता है, स्टार में अगर आप यहाँ पे देखेंगे लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या होता है, उसी तरीके से डेल्टा में मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अगर आपका कोई स्टार कनेक्टेड सिस्टम है और सारे ब्रांच का इंपेडेंस अगर जेड जेड है, तो इसको अगर हम लोग डेल्टा में इक्विवेलेंट शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे इंपेडेंस का क्या वैल्यू होगा। अगर आपका कोई स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, इसमें अगर आपका पावर इस सर्किट एक तरीके से पी वॉट कंज्यूम कर रहा है, तो इसी को अगर हम लोग डेल्टा में शिफ्ट करें सेम सप्लाई पर, तो वहाँ पर एक तरीके से पावर कितना एब्जॉर्ब होगा, फिर कंज्यूम होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था भाई कि थ्री फेज के अंदर कैसे वॉट मीटर को यूज़ करके हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं, है ना। और वॉट मीटर को पहले मैंने आपको समझाया था इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में ले जा करके, उसके बाद फिर हम लोगों ने वॉट मीटर को सिंगल फेज सर्किट के अंदर यूज़ किया था, कैसे हम लोग सिंगल फेज सर्किट का पावर एक तरीके से मेजर करते हैं। उसके बाद उतना कुछ समझने के बाद फिर हम लोग थ्री फेज के अंदर आए थे। थ्री फेज में आपको मैंने आपको बताया था पावर अगर मेजर करना है तो वहाँ पे आपका एक थ्री वॉट मीटर मेथड होता है, यानी तीन वॉट मीटर यूज़ करेंगे, और एक था आपका टू वॉट मीटर मेथड। ओके, तो सबसे ज़्यादा हम लोग टू वॉट मीटर मेथड यूज़ करते हैं, है ना। ये सारा का सारा चीज़ बताया हुआ भाई। अब देखिए इस सेशन को स्टार्ट करने का क्या मतलब है। सबसे पहले भाई जो ज़्यादातर यानी जो मेजोरिटी लोग हैं ना, फिर चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो या फिर पढ़ने में अच्छा हो, है ना, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है भाई जब आप डीसी को छोड़ करके जब आप एसी में इन करते हैं, ठीक है। जैसे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल कभी भी स्टार्ट कीजिएगा तो वहाँ पे सबसे पहले डीसी पढ़ाया जाता है ना, और डीसी में जब आप पढ़ लेते हैं बेसिक फार्मूला, है ना, वी इक्वल टू आई इन टू आर ओम्स लॉ, है ना, उसके बाद फिर आपके यहाँ पे डीसी नेटवर्क हो जाएगा, केवीएल केसीएल नॉर्टन्स थेवेनिन्स मैक्सिमम, ओके, सुपर पोजिशन, सब जो भी है थ्योरम, आपको ये सब पढ़ने के बाद फिर आपको एसी में एक तरीके से लेकर के आया जाता है। तो एसी में भाई, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट को अगर आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है ना और बहुत ही अच्छे से समझना है, तो इसको आपका सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं भाई, वो आपको वो सीक्वेंस बना करके नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है। ओके, देखिए जो भी आपका भाई फंडिंग कंपनी है ना, ठीक है, या फिर कहिए जो भी आदमी अगर टीम के साथ काम कर रहा है, तो उन सारे टीचर के ऊपर प्रेशर होता है भाई, ठीक है। प्रेशर क्यों? क्योंकि उनका भाई पूरा का पूरा वो एक तरीके से समझिए बिजनेस है, ओके, और उनको हर एक वैकेंसी के हिसाब से उस पर्टिकुलर कोर्स को या फिर सब्जेक्ट को एक तरीके से या फिर सिलेबस को कवर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो उनका बहुत सारा पोर्शन जो है ना मिस हो जाएगा, क्योंकि भाई वो सैलरी बेस्ड है, ठीक है। अगर उन्होंने 6 महीने के अंदर या फिर कहिए 3 महीने के अंदर वैकेंसी, क्योंकि उन लोगों का यही एक तरीके से ट्रेंड ही है, जब भी वैकेंसी आएगा तो ओवरऑल उनका अपना क्रैश कोर्स लॉन्च होता है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, है ना, ओके। तो उनका भाई बिजनेस, उनको अपना पैसा एक तरीके से अर्न करना है। लेकिन आपको अगर समझना है ना, चीज़ों को समझना है भाई, तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस एक तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप नर्सरी में गए, UKG LKG 1 2 3 ऐसे चलना पड़ेगा आपको भाई, ओके। तो जब आप DC से AC में इन करते हैं, तो सबसे पहले देखिए जो आपने DC में सीखा है ना, DC में आपने क्या सीखा है, अगर आपको वोल्टेज चाहिए तो देख रहे हैं I इंटू R करना पड़ रहा है, यानी यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप वही रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, V बटा I, है ना, यहाँ पे आपको डिवीज़न करना पड़ेगा। उसके बाद मान लेते हैं आप KCL लगा रहे हैं, तो I1 प्लस I2 कीजिएगा, यानी यहाँ पे एडिशन करना आना चाहिए। उसके बाद अगर आप मान लेते हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना, I2 माइनस I1, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन भी करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए चार चीज़ जो है ना आपको ये करना आना चाहिए। तो DC सर्किट में भाई होता क्या है, DC में हम लोग सिंपल अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एडिशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला एक तरीके से करते हैं, जो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब आप AC में आएंगे ना, तो AC में यही चार चीज को अगर आपको परफॉर्म करना है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे भाई रूल्स चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक एनालॉगस दूँ, मान लेते हैं आपको भाई एक कार एक तरीके से खोलना है, या फिर कहिए कार का एक तरीके से स्टेपनी चेंज करना है, टायर पंचर हो रखा है, दूसरा टायर लगाना है, तो भाई आपको वहाँ पे टूल्स चाहिए। टूल्स कहने का मतलब क्या, आपको वहाँ पे रिंच चाहिए, है ना,
उसके बाद प्लास चाहिए, पेचकस चाहिए, है ना, बाइक को खोलना है, कार को खोलना है, तो ये भाई ये बिना टूल्स का आप कभी भी उस चीज़ को रिपेयर नहीं कर पाएंगे या फिर ठीक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब एसी में आएंगे ना, तो सबसे पहले इन चार चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके लिए आपको टूल्स प्रोवाइड किया जाता है। और जो टूल्स प्रोवाइड करता है, इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं फेजर अलजेब्रा। क्लियर हुआ? और जब आप फेजर अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले बताएगा कि अगर आपको एडिशन और डिवीजन करना है तो इसके लिए आपको पहले पोलर फॉर्म सिखाया जाता है। पोलर फॉर्म कहना मतलब आर, यानी एक मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल होगा। क्लियर हो गया? और वही दूसरा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो इसमें आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म एफएसी को बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में बताएगा, जैसे ए प्लस जे बी में, यानी एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में एक तरीके से कन्वर्ट करके आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो फेजर अलजेब्रा आपको टूल्स प्रोवाइड कर देता है जो कि ये चार परफॉर्मेंस को एक तरीके से यहाँ पे ईजी हो जाता है आपको करने के लिए, ठीक है। और जब फेजर अलजेब्रा पढ़ लेंगे तो अब अपने एसी में आ जाइए। तो सबसे पहले ये टूल्स आपने गेन कर लिया, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा एसी फंडामेंटल। तो एसी फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है भाई, बिल्कुल बेसिक। तो आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या, कुछ इस तरीके का होता है, साइनसोडियल वेव बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया जाएगा ये कैसे जनरेट होता है ना, यानी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताया जाएगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल बीच में आपका एक तरीके से कॉइल रखा हुआ, जब घुमाएंगे तो इस तरीके का आपका ईएमएफ बनता है। उसके बाद इसके बारे में बताया, इस वेव के बारे में बताया जाएगा, है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, है ना। उसके बाद इसी में इस पर्टिकुलर वेव को लिखेंगे कैसे, इसको आई एम साइन ओमेगा टी ही क्यों बोलेंगे, है ना, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई कब लिखेंगे, प्लस फाई कब लिखेंगे, ओके, वी एम साइन ओमेगा टी उसको कॉस में चेंज करना तो कैसे करेंगे। तो पूरा पूरा भाई इसमें आपका काम होता है एसी फंडामेंटल। ओके, और जब आपने पूरा पूरा टूल्स गेन कर लिया, एसी फंडामेंटल पढ़ लिया, तब आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से सिंगल फेज, ठीक है, यानी आपका आ जाएगा सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट, ठीक है। और इसमें भी आपका एक स्पेशल केस होता है रेजोनेंस। तो एसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एक तरीके से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, उसका फिर आ जाएगा एसी पैरेलल, जो कि हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, पैरेलल पूरा का पूरा, है ना, और इसमें भी आपका पैरेलल रेजोनेंस सब आ जाएगा। और जब आपका सिंगल फेज खत्म हो गया ये दो चैप्टर के अंदर, एसी सीरीज एसी पैरेलल, तब आपका स्टार्ट होता है एक तरीके से थ्री फेज। ओके, थ्री फेज सिस्टम या फिर ये पॉलीफेज सिस्टम या फिर पॉलीफेज सर्किट। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे पांच सब्जेक्ट डाला है ना, ये पांच सब्जेक्ट में भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बच्चों को दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि अभी जो मैंने सिक्वेंस यहाँ पे बताया ना एक, वो छोड़ देते हैं टीचर लोग, ठीक है। अब आपके पास टूल ही नहीं है, टूल सीखा ही नहीं है, कैसे कब हम लोग पेचकस यूज़ करेंगे, कहाँ पे प्लास यूज़ होता है, कहाँ पे रिंच यूज़ होता है, तो ये सब कैसे एक तरीके से सर्किट बनेगा भाई, नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो आपका सिक्वेंस इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका भाई ये सेक्शन कमजोर है, काफ़ी वीक है, तो आप वीके माता ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो आपका एमसीक्यूज है ना, उसमें भाई सफिशियंट एक तरीके से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और जो आपका वीके माता बुक का जो स्टैंडर्ड है भाई, इसमें आपका 95% जो है ना, पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल सेक्शन है, एमसीक्यूज है, लेकिन वो न्यूमेरिकल पूछा गया। तो भाई आप थ्योरेटिकल तो रट जाएंगे, लेकिन अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ देता है ना, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको पूरा का पूरा डीप कॉन्सेप्ट चाहिए होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको सब्जेक्टिव नहीं करना है, टाइम नहीं आपके पास, तो कम से कम वीके माता का बेसिक वाला एमसीक्यूज कर लीजिए, सेक्शन पूरा स्ट्रांग हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो अभी बच्चों को भाई ये समय दिक्कत होता है, तो उसी हिसाब से थ्री फेज में तो भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। सिंगल फेज में अगर आपका कमांड हो गया, लेकिन थ्री फेज में फंस जाइएगा। तो थ्री फेज को और स्ट्रांग करने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल वाले सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चैनल पर डाला गया है, ठीक है, थ्री फेज के रिगार्डिंग, उसको आप देखिए, उसके बाद आप इसको एक तरीके से स्टार्ट कीजिएगा। और एक चीज़ देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, जीरो मतलब जब आपका बिगिनर चल रहा है, ए बी सी डी जब आप पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो ए बी सी डी जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें चीज़ों को समझाने के लिए एनालॉगस दिया जाता है, ठीक है, रियल लाइफ से कोरिलेट करवाया जाएगा, या फिर कहिए कोई फनी चीज़ का एग्जांपल दे करके आपको समझाया जाएगा भाई, ठीक है। तो जब आपका ए बी सी डी चलता है ना किसी भी टॉपिक का, फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप किसी भी सब्जेक्ट में भाई, किसी भी, फिर चाहे नॉन टेक्निकल हो या फिर टेक्निकल हो, जब आप उसको डीपली लेके जाएंगे ना, यानी जब आप उसको प्रोफेशनल लेवल पे एक तरीके से समझेंगे, तो प्रोफेशनल लेवल में भाई यहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज होगा। अब उन टेक्निकल वर्ड को आप कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करके नहीं समझ पाएंगे, उन टेक्निकल वर्ड को उसी टेक्निकल फील्ड में
फील्ड वाले लैंग्वेज में आपको आकर के एक तरीके से समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको लेक्चर्स में कभी भी कॉमेडी या फिर कहिए जो फनी चीज़ होता है वो सब आपको नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपको सीखना भाई, क्योंकि देखिए लर्निंग और जो एजुकेशन फील्ड है ना, ये पूरा का पूरा ड्राई फील्ड होता है, ठीक है। तो जब आप प्रोफेशनल लेवल पे किसी भी चीज़ को समझ रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपका जो दिमाग है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बहुत लोड पड़ेगा, यानी आपको पेन महसूस होगा। ओके, तो आपको इस पेन से सफ़र करना पड़ेगा भाई। अगर आपने इस पेन के चलते अगर आपने लेक्चर को एक तरीके से यहाँ पे स्किप कर दिया, फिर बंद कर दिया ना, तो लाइफ टाइम आप एक तरीके से सीख नहीं पाइएगा, ठीक है। और जो आदमी एक तरीके से प्रोफेशनल चीज़ को एक तरीके से कॉमेडी वे में अगर समझा रहा है ना, तो आपको भाई पूरा पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा कभी भी, ठीक है। आपको पूरा पूरा नॉलेज होगा ही नहीं कभी भी इस चीज़ का। इस चीज़ को समझिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ओके, तो बेसिक चीज़ जो है ABCD अगर आप सीख रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल चीज़ों को आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही सीखना पड़ेगा, उसी टेक्निकल वर्ड में ही वर्ल्ड में आकर के आपको उस वर्ड को समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मेरे पास यहाँ पे 3-फेज इंडक्शन मोटर है और ये नो लोड पे है, ठीक है, ये आपका नो लोड पे है। अब बोल रहा है यहाँ पे हम लोगों ने 2 वाट मीटर मेथड यूज़ किया है। सबसे पहले सर्किट में बनाता हूँ। 3-फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, बैलेंस लोड होता है, ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने जिक्र किया हुआ है ना। तो यहाँ पे 3 वाइंडिंग देखने को मिलेगा, उसके चलते इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बना देता हूँ, और जितना ज़्यादा आप डायग्राम बना के समझेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको एक तरीके से क्लियर होगा। और यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है, स्टार है, डेल्टा है, कुछ नहीं क्लियर किया, तो हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोग बस बना दे रहे हैं। ये XL हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, और सब में यही R, XL, 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 क्योंकि बैलेंस लोड सब में आपका रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस जो है सेम आएगा, ठीक है। इधर मान लेते हैं हम लोग, इधर मेरा सप्लाई साइड है भाई, ये मेरा लोड साइड हो गया और इधर मेरा सप्लाई, तो ये R हो गया, ये मेरा Y हो गया। Y को जब भी आप लेके आएंगे ना, फेज सिक्वेंस होता है R, Y, और फिर B को आप ऐसे लेके आइए। ओके, R, Y, B। अब 2 वाट मीटर मेथड मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना, कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग को 2 वाट मीटर जोड़ना भाई, ठीक है। तो वाट मीटर में ऑलरेडी बताया था, करंट कॉइल होता है, करंट कॉइल को सीरीज में लगा दिया, जो प्रेशर कॉइल है उसको हम लोग क्या करेंगे, वाई को हम लोगों ने कॉमन पाथ लिया था, है ना, कॉमन पॉइंट लिया था, यहाँ पे जोड़ देंगे, है ना। ये मेरा करंट कॉइल हो गया, ये मेरा प्रेशर कॉइल हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल में डाल देंगे इस तरीके से, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट मतलब बॉक्स के अंदर पैक होता है ना भाई, सील्ड होता है ना, कांच है, उसमें स्केल है, पॉइंटर है, सब क्या होता है, शीशे के अंदर पैक होता है। अब दूसरा जो वाट मीटर है हम लोग बी वाले फेज में लगाएंगे, है ना, लास्ट वाले फेज में लगा रहे थे, तो इसका यहाँ पे करंट कॉइल दिखा देते हैं सीरीज में, और इसका एक प्रेशर कॉइल दिखा देते हैं। ओके, और ये भी इसी में आकर के जुड़ जाएगा, क्लियर हो गया। ये एक तरीके से मेरा W1 हो गया, ये मेरा एक तरीके से W2 हो गया, है ना। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, अब हम लोग को ऑलरेडी पता है, वाट मीटर पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो W2 का जो रीडिंग था भाई, W2 का क्या रीडिंग था बताइए, आपको याद होगा VL IL cos, यहाँ पे था आपका 30-5 था भाई। और W1 का जो वैल्यू था, ये था आपका VL IL cos 30+5 था। हम लोगों ने एक चीज़ और क्लियर किया था कि W1 ज़्यादा बड़ा रीड करके देगा फिर W2, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था वहाँ पे, W2 जो होता है हमेशा बड़ा रीडिंग देगा, किसके लिए, लैगिंग लोड के लिए। मेरा कौन सा लोड है, ये लैगिंग लोड है, मेरा लैगिंग नेचर का लोड है, क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वाट मीटर मेथड का जो रीडिंग है यहाँ पे W1, क्योंकि बड़ा जो होगा वही, सॉरी ये 375 है ना, यानी ये W2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे भाई, जो बड़ा रीडिंग होगा वो W2 का होता है, ठीक है। तो W2 का वैल्यू दिया हुआ 375 वाट, ओके, और W1 का दिया हुआ यहाँ पे -50 वाट। अब समझिए ये माइनस यहाँ पे इसलिए लगाएगी क्योंकि वाट मीटर कभी आपको नेगेटिव पावर रीड करके नहीं देगा, लेकिन हम लोगों ने देखा था भाई कि अगर मेरा जो पावर फैक्टर है ये 0.5 से लो हो गया, ठीक है, कि अगर लो हो गया तो इस केस में आपका जो स्केल था वाट मीटर का, ये डाउन स्केल रीडिंग बताता है, तो उसको फिर से अपस्केल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, पोटेंशियल कॉइल का जो है आपका जो पोलरिटी है उसको हम लोगों ने फ्लिप किया था, ठीक है, समझ में। तो अब जो है पावर आपको पॉजिटिव देगा, लेकिन उस पावर को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे -50 वाट दिया हुआ है। अब बोलते हैं यहाँ पे कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर एट नो लोड, नो लोड पे आपको पावर फैक्टर बताना है भाई। ओके, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करवाते चला जाऊँगा, ओके, ताकि दिमाग में बैठ जाए। देखिए हम लोगों ने देखा था भाई, ये जो मेरा रीडिंग है W2 और W1, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एडिशन किया था, W2 प्लस W1 किया था, तो यहाँ पे आपने देखा था मेरा आया था √3 VL IL cos 5,
ठीक है। और जब हम लोग ने सब्ट्रैक्शन किया था W2 माइनस W1 का, तो ये आया था ओवरऑल VL IL sin phi। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, यही होना चाहिए, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने tan phi लगाया था, tan phi इक्वल टू मतलब क्या, यहाँ से cos का वैल्यू निकाले, cos का वैल्यू क्या आ जाएगा W2 प्लस W1 डिवाइडेड बाय रूट थ्री वी एल आई एल, है ना। ये cos phi का वैल्यू sin phi का यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो ओवरऑल हम लोग का यहाँ पे आया था डिवीजन करने के बाद रूट थ्री, यहाँ पे ऊपर में था W2 माइनस W1 और नीचे था आपका भाई W2 प्लस W1, क्लियर हुआ। ये लैगिंग लोड के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए हम लोग को पता है पावर फैक्टर कहने का मतलब क्या, cos phi, और ये मेरे को phi चाहिए। phi किस किस के बीच में होता है, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग phi निकाल लेते हैं। अगर हम लोग tan phi की बात करें तो क्या हो जाएगा, आप वैल्यू डाल दीजिए रूट थ्री, W2 का वैल्यू कितना है 375 माइनस माइनस 50 हो जाए यहाँ पे, यानी प्लस हो जाएगा दोनों ओवरऑल, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ मैं प्लस 50 और नीचे में आपका 375 प्लस और माइनस 50 यानी माइनस 50 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा भाई, डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, एक मिनट, इसका आ जाएगा 2.265, ठीक है 2.265। कैलकुलेशन भाई मैंने ऑलरेडी कर रखा है आप लोगों के लिए ताकि हम लोग का टाइम बचे। अब यहाँ से हम लोग फाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 2.265। तो ओवरऑल यहाँ पे फाई का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई आपका 66.18, ठीक है 66.18 डिग्री। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस फाई इक्वल टू कॉस, यहाँ पे एंगल आ गया 66.18, तो इसको जो आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 0.404 और ये लैगिंग होगा, क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2 वॉट मीटर मेथड यूज़ कर रहे हैं और आपके लोड का यानी आपके सिस्टम का अगर आपका पावर फैक्टर जो है 0.5 से डाउन चला गया, देख रहे हैं 0.5 से कमी है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जो W1 था उसका जो रीडिंग था वो डाउन स्केल बताने लगता है, तो उसके चलते आपको वहाँ पे पोटेंशियल कॉइल का जो पॉलिटी है वो चेंज करना पड़ेगा और तब जाके ये पॉजिटिव बताएगा, अपस्केल आ जाएगा रीडिंग, लेकिन उस पावर को जो भी पावर बता रहा है उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। और एक चीज़ देखिए आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरा इंडक्शन मोटर होता है अगर आप उसको नो लोड पे ऑपरेट करेंगे, नो लोड कहना मतलब यहाँ पे साफ्ट होगा, साफ्ट पे कोई भी आपने मैकेनिकल लोड नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल नो लोड पे इंडक्शन मोटर जो पावर फैक्टर होता है भाई बहुत घटिया होता है, 0.4 यानी लेस देन 0.5 के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, बी में बोल रहा है फेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन 2 वॉट मीटर। ये 2 वॉट मीटर मेथड के बीच में ये जो वोल्टेज और करंट के बीच का फाई है, देखिए हम लोग को पता है यहाँ पे W2 का ये रीडिंग दिया हुआ है। अब देखिए भाई यहाँ पे बोल रहा है ना फेज डिफरेंस, मतलब ये फाई का वैल्यू बताना है आपको, समझ में आ रहा है VL IL भाई, समझिए हम लोग यहाँ पे VL क्या होगा, VL को क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो Vm sin ओमेगा टी, है ना। IL तो सीधा क्वेश्चन कुछ लैग कर रहा होगा क्योंकि भाई यहाँ पे स्टार कनेक्टेड मैंने दिखाया है, तो स्टार में लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो जो फेज वोल्टेज होगा, जो फेज वोल्टेज उससे करंट कुछ ना कुछ लैग करेगा ना आपका, समझ रहे बात को, यहाँ पे भी लैग करेगा, यहाँ पे भी लैग करेगा, ऑलरेडी फेजर डायग्राम में सब बताया हुआ भाई, उसको देखिए आप, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो मेरा भाई वॉट मीटर है और ये जो मेरा वॉट मीटर है, इनमें जो फाई आ रहा है ना, फाई मतलब क्या, करंट और वोल्टेज के बीच का एक तरीके से, तो यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का एंगल फाई होगा एक तरीके से, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जब लैगिंग लोड होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल रिविजन करवा दूँ, ठीक है, लैगिंग लोड से आपको समझाता हूँ, ठीक है, ओवरऑल समझिए R Y और ये B। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे मेरा ये VRN हो जाएगा, इधर मेरा एक तरीके से VYN हो जाएगा, इधर मेरा एक तरीके से VBN हो जाएगा, क्लियर हो गया। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये हो गया VRN, ये हो जाएगा मेरा एक तरीके से VBN और इधर हो जाएगा मेरा एक तरीके से VYN, क्लियर। अब लाइन वोल्टेज हम लोग ऑलरेडी पता है, सिर्फ एक का बता रहा हूँ, आर और वाई के बीच में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा वी आर एन माइनस ये वाला वैल्यू वी वाई एन, तो इसका माइनस इधर ले लेंगे, ये मेरा हो गया माइनस वी वाई एन,
तो इसके पैरेलल ये है, उसके पैरेलल ये है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एक तरीके से, ये हो जाएगा वी आर वाई, क्लियर हुआ। तो ये मेरा एक तरीके से लाइन वोल्टेज, सॉरी फेज वोल्टेज है, ये मेरा एक तरीके से क्या है, लाइन वोल्टेज है, ठीक है। तो इसके अंदर जो करंट आ रहा होगा, इधर जो करंट आ रहा होगा, ये क्या होगा, फेज वोल्टेज से कुछ ना कुछ करंट एंगल लैग करेगा, तो ये मेरा फेज वोल्टेज यहाँ से मान लेते हैं, और क्योंकि हम लोग का स्टार कनेक्टेड सिस्टम, तो जो लाइन करंट होगा ये मेरा फेज करंट होगा, है ना। आई आर जो भी आ रहा है क्या होगा, लाइन करंट, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फेज करंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके से फेज करंट हो गया, मैं दिखा देता हूँ, आई एल ये कुछ ना कुछ एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है ये लाइन वोल्टेज और ये फेज वोल्टेज के बीच का एंगल कितना था, 30 था, ठीक है। और ये एंगल मान लेते हैं फाई है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपको, अगर यहाँ पे लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का एंगल चाहिए भाई, लैग करने का मतलब क्या भाई, ठीक है, सही तो जा रहा है यहाँ पे, मतलब आप समझिए भाई, आपको मैं ओवरऑल हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ओवरऑल क्या था आपका, 30 माइनस 5 था लैगिंग के लिए, सॉरी 30 प्लस 5 होगा लैगिंग के लिए, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना ओवरऑल, ये इतना तो ये एंगल मेरे को चाहिए, तो 30 प्लस 5 हो जाएगा लैगिंग के लिए, है ना। और भाई अगर आपका लीडिंग होता तो इधर आता, ये इधर आता तो क्या हो जाता, अब 30 माइनस 5 करना पड़ता, क्लियर हो गया। तो ओवरऑल अब ये जो वॉट मीटर है, समझिए जो वॉट मीटर है इसमें आपको बताना है, ठीक है, इस फाई का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है W2 सिर्फ और सिर्फ एंगल बता, एंगल पे बात करें तो 30 माइनस 5 है ना भाई, ये समझ में आ रहा है, फाई का वैल्यू ऑलरेडी, क्योंकि जो फाई है तो ये क्या होता है आपका पावर फैक्टर एंगल होता है एक तरीके से। अभी फाई आपने निकाला, फाई कितना है आपका, फाई का वैल्यू कितना आया था अभी, 66 पॉइंट समथिंग आया था ना, सही है, ठीक है, 66 पॉइंट यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, 30 माइनस फाई का वैल्यू था 66.18, तो थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा 36.18, ठीक है, 36.18, क्लियर हो गया। ये आ गया एक तरीके से W2 के लिए, और W1 की अगर बात करें तो W1 का क्या है एक तरीके से यहाँ पे cos 30 प्लस 5 है, ठीक है। तो W1 इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 5 का वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं 66.18, तो ओवरऑल आप इसको जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 96.18, ओके। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, वही बोला है द फेज डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट इन अ टू वॉट मीटर मेथड। अगला बोलता है रिएक्टिव पावर टेकन बाय द लोड, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है भाई, हम लोगों ने जब डिफरेंस निकाला था, यहाँ पे देखिए जब W1 का ये रीडिंग था, W2 का ये रीडिंग था, इसका जब डिफरेंस निकाला था, ये मेरा वैल्यू आ रहा था, है ना, समझ में आ रहा है बात को, ये मेरा एक तरीके से वैल्यू आया था सब्ट्रैक्शन करने का। तो हम लोग को पता है जब लोग थ्री फेज के अंदर जो रिएक्टिव पावर होता है, क्योंकि हम लोग थ्री फेज सिस्टम के अंदर, तो थ्री फेज के अंदर जो रिएक्टिव पावर होता है क्या होता है, यहाँ पे रूट थ्री वी एल आई एल साइन फाई होता है भाई, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए वी एल आई एल साइन फाई है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में, ओवरऑल इधर भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्लियर हुआ। तो ये मेरा एक तरीके से क्या बन जाएगा, रिएक्टिव पावर बन जाएगा थ्री फेज के लिए, है ना। इसकी जगह मैं क्यू लिख सकता हूँ, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू आ जाएगा रूट थ्री डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू का वैल्यू ऑलरेडी पता हम लोगों को 375, माइनस डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन का वैल्यू ऑलरेडी पता है माइनस 50, ठीक है। तो ओवरऑल इसको आप कर लीजिएगा, है ना, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा भाई 736.12 VAR, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भाई आपको सॉल्व करना है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटा छोटा सीरीज रहेगा भाई, ताकि आपके ऊपर लोड ना पड़े, ओके, क्योंकि स्टूडेंट का दिमाग जल्दी सैचुरेट हो जाता है ना, खासकर जब आप नया चीज सीख रहे हो। तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर टू, बोलता है थ्री फेज मोटर, यानी थ्री फेज मतलब इंडक्शन मोटर, यहाँ पे लोड हैज अ पावर फैक्टर ऑफ इतना लैगिंग, टू वॉट मीटर कनेक्टेड टू मेजर पावर शो द इनपुट इतना, फाइंड द रीडिंग ऑन ईच वॉट मीटर। देखिए वही है डायग्राम आपका, वही रहेगा यहाँ पे, अगेन टू वॉट मीटर मेथड यूज कर रहे हैं, बोल रहा है लोड का जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर कॉस फाई का वैल्यू दिया हुआ है 0.397, और मोटर है तो सीधी सी बात है लैगिंग नेचर का लोड होगा, ओके। अब बोलता है कनेक्टेड टू मेजर पावर शो द इनपुट एज, यानी यहां पे W2 प्लस W1 का एक तरीके से टोटल दिया हुआ पावर भाई, ठीक है, ये इतना रीड करके दे रहा है। अब बोलता है फाइंड द रीडिंग ऑन ईच वॉट मीटर, अब देखिए यहाँ पे W2 का क्या वैल्यू होगा इंडिविजुअल, W1 का क्या वैल्यू होगा, ये आपको बताना है। तो हम लोग को पता है यहाँ से अगर हम लोग फाई की बात करें तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0.397, है ना। तो ओवरऑल अगर हम लोग फाई का यहाँ पे वैल्यू निकालें
तो फाई आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा भाई 66.6। ओके, ये आ गया आपका 66.6। अब हम लोग को यहाँ पे पता है tan phi इक्वल टू रूट थ्री डब्लू टू माइनस डब्लू वन डिवाइडेड बाय डब्लू टू प्लस डब्लू वन, है ना। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे देखते हैं tan phi की जगह मैं डाल देता हूँ कितना 66.6, इधर आ जाएगा रूट थ्री डब्लू टू माइनस डब्लू वन और इसका वैल्यू दिया हुआ नीचे में 30 किलोवाट, ठीक है। तो ओवरऑल इधर अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू मैं निकालता हूँ पहले कितना आता है, टेन 66.6 ये आ जाएगा 2.31 और ये इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 30 और ये वाला इधर लेके आ जाएंगे तो रूट थ्री डिवाइड हो जाएगा और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्लू टू माइनस डब्लू वन के बराबर। ओके, इनका जब आप वैल्यू निकालिएगा डब्लू टू माइनस डब्लू वन का जो वैल्यू है इसका जब आप निकालिएगा भाई तो ये आ जाएगा आपका 40, ठीक है, 40 किलोवाट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना ये किलोवाट में है तो इसका वैल्यू करके जो भी मल्टीप्लाई वो भी किलोवाट में ही आएगा। ओके, डब्लू टू माइनस डब्लू वन, तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए डब्लू टू प्लस डब्लू वन इक्वल टू 30 किलोवाट और ये मेरा सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, दोनों को आप एक तरीके से सॉल्व कर लीजिए आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए डब्लू टू प्लस डब्लू वन इक्वल टू 30 किलोवाट है, दूसरा है मेरा डब्लू टू माइनस डब्लू वन, ये है मेरा 40 किलोवाट। तो ओवरऑल इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लेते हैं तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टू डब्लू टू इक्वल टू 40 से 70 हो जाएगा, यानी डब्लू टू इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 किलोवाट, ठीक है। 35 किलोवाट डब्लू टू का वैल्यू है, तो ओवरऑल आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिए डब्लू टू का, है ना, 35 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी डब्लू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 35, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा माइनस 5 किलोवाट, और माइनस आना भी चाहिए क्योंकि भाई हम लोग जो पावर फैक्टर था सिस्टम का ये कितना दिखा रहा है आपका 0.397, यानी 0.5 से आपका कम ही है, तो ओवरऑल आपके यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से भाई सॉल्व करना है, आप फीडबैक दीजिएगा मेरे को कि आपको सेशन कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। ओके, और एक एक सेक्शन में भाई तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं सोचूंगा, ओके, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन अभी फीडबैक दीजिए, आप लोग के लिए न्यू सीरीज़ है ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ।